हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज से हम एक बिल्कुल नई चीज़, बिल्कुल डिफरेंट कुछ करने वाले हैं। वो क्या है? वो है पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस हिंदी मीडियम में। बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि सर विवेक सर, आपकी सारी वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश में आती हैं, हम नहीं पढ़ पाते, आपसे हमें होता नहीं अंडरस्टैंड। तो आप सबकी डिमांड पे प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आप सभी के लिए शीत युद्ध का दौर चैप्टर 1 बुक 1। ठीक है, बुक 1 पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगें और इन वीडियोस को इतना फैलाओ कि पूरे भारत का, सरकारी स्कूल का, या जिनके पास हिंदी में पॉलिटिकल साइंस है वो इनसे पढ़े और वो टॉप करें। सो क्लास, चलिए हम करते हैं स्टार्ट शीत युद्ध का दौर। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये कहानी शुरू होती है आपकी द्वितीय विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से लेके 1918 तक। हमें इससे मतलब नहीं है। हमारी कहानी कहाँ शुरू होती है? हमारी कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था दो ग्रुप्स के बीच। वो दो ग्रुप्स कौन थे? वो दो दो ग्रुप्स थे आपके। एक था आपका धुरी राष्ट्र और एक थे आपका मित्र राष्ट्र। अगर हम धुरी राष्ट्र की बात करते हैं, धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र में कौन था? मित्र राष्ट्र में थे आपका अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, हालांकि इस द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी, इसका इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन 12th पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग शॉर्ट बता देते हैं आपको कि भाई 6 साल तक ये आपस में लड़ते रहे और मरते रहे। अंत में क्या हुआ? अंत में ये सब एक तरह से खत्म हो चुके थे, हार चुके थे। कौन बच गया? बचा कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। बचे कौन? बचे सिर्फ दो शक्तियां, दो देश बचे बस। कौन कौन बचे? अमेरिका और सोवियत संघ। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ 1945 में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत होते ही हमारे सामने आई दो महाशक्तियां, या दो शक्तियां बोल सकते हो आप। कौन कौन सी? एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। कौन कौन सी? एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। और इन दोनों के बीच क्या छिड़ गया? इन दोनों के बीच हो गया था आपका शीत युद्ध। कब? 1945 से लेके 1991 तक। ठीक है, पूरे 45-46 साल तक इन दोनों के बीच में क्या चला? इनके बीच चला था आपका शीत युद्ध। तो इस चीज को दोबारा सुन लो आप, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत इज इक्वल टू शीत युद्ध की शुरुआत। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व जब अंत हुआ तो हमारे सामने कौन आई? हमारे सामने आई दो महाशक्तियां। कौन कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ। इनके बीच क्या हुआ? इनके बीच हो गया आपका शीत युद्ध हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत इज इक्वल टू शीत युद्ध की शुरुआत। सो ये था बेटा आपका बिगिनिंग। हम लोग चलते हैं अपना आप नेक्स्ट पॉइंट पे। सवाल क्या आता है? सवाल पूछ सकते हैं आप लोगों से कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो इसका सवाल, अब जवाब बहुत ही आसान है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत तब हुआ जब अमेरिका ने जापान के दो महानगरों, जब अमेरिका ने जापान के दो महानगरों, कौन कौन से? हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या गिराए थे? परमाणु बम गिराए। कब गिराए? 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। बमों के नाम? लिटिल बॉय, छोटा लड़का, और फैट मैन, मोटा आदमी। ये इनके नाम पे। अब ट्विस्ट क्या था? अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ने जब बम गिराया तो अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ने बोला कि भाई युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए मैंने जापान पर बम गिराए। हालांकि जापान ने आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर ली थी, जापान हार मान चुका था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने बम गिराए। तो जो बाहर के थे आलोचक, उन्होंने ये बोला कि अमेरिका ने जापान पे बम इसलिए नहीं गिराए क्योंकि उसको युद्ध को जल्दी अंत करना था। अमेरिका ने जापान
पान पे बम इसलिए कराए क्योंकि उसको एशिया में और सोवियत संघ में अपना दबदबा दिखाना था कि देख मैं किस तरीके से पावरफुल हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि तेरे पड़ोसी मुल्क पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे परमाणु बम गिरा रहा हूँ, हमला कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपसे पूछ सकते हैं, हमारी ये वीडियोस 1 मार्क्स पेज भी हैं, 1 मार्क्स में आपको यहाँ पे काफ़ी मदद मिलेगी, आप काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है यहाँ पे आपको ये। ठीक है, सो ये हमारा हो चुका है बेसिक आपका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब, तो ये जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़ लिए अब तक, इन सब पॉइंट्स के हिसाब से अगर आपसे पूछें कि शीत युद्ध था क्या, एक्चुअल में शीत युद्ध है क्या, व्हाट इज शीत युद्ध, तो क्या बोलोगे आप लोग? शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला थी, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों के बीच एक तनाव था, एक क्या थी इधर कंफ्रंटेशन, कंपटीशन था, संघर्ष था, कौन किस पे हमला ना कर दे, कौन किसको हरा ना दे, ये सब जो हुआ इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग शीत युद्ध। एक नंबर की ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, आपको लिख के आनी पड़ेगी आपके एग्जाम में। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है हमारा अगला पॉइंट, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या, अब थोड़ा सा हम लोग जरा ये जानते हैं इन दोनों के बारे में। मैंने दोबारा शुरू से बोला था आपको कि 1 मार्क फोकस रहेगा हमारा, तो एक तरफ हो गया अमेरिका और एक तरफ क्या आ गया, एक तरफ आ गया सोवियत संघ। तो अमेरिका पश्चिम में, अगर आप मैप देखते हैं अमेरिका पश्चिम में है, सोवियत संघ आपका पूर्व में है। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अमेरिका की जो सोच है उसकी विचारधारा क्या थी, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसकी विचारधारा क्या थी। तो अगर हम बात करें यूएस की, तो इसकी क्या थी, इसकी थी आपकी लोकतंत्र, ठीक है, क्या थी इसकी लोकतंत्र और विचारधारा, और क्या थी इसकी पूंजीवाद, ठीक है, लोकतंत्र और पूंजीवाद। अगर हम बात करते हैं सोवियत संघ की, इसकी विचारधारा क्या थी, समाजवाद और साम्यवाद, क्या थी, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने सपोज कर लिया कि उस समय छोटे छोटे देश थे, मैंने सपोज कर लिया उस समय हमारे पास में 100 छोटे छोटे देश थे, तो 100 में से 30 देशों ने क्या ज्वाइन कर लिया, 30 ने ज्वाइन कर लिया अमेरिका, और 30 ने ज्वाइन कर लिया सोवियत संघ, बचे 40, वो 40 कौन थे हम बताएंगे बाद में आपको, उससे पहले जान लें कि ये 30 30 देशों ने जब ज्वाइन किया तो क्या हुआ, सो 30 देश प्लस अमेरिका प्लस ये सोच इज इक्वल टू पश्चिमी गठबंधन, इन्होंने ग्रुप बना लिया। ठीक है, 30 देश प्लस ये सोच विचारधारा प्लस ये क्या बना, पश्चिमी गठबंधन, वैसे ही 30 देश, ठीक है, प्लस सोवियत संघ प्लस ये सोच क्या बना आपका, ये पूर्वी गठबंधन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया पूरा मामला, आपके यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्या होता है, आप देखो भाई ये तो इन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने बनाए हैं गठबंधन कि ये ग्रुप बन गया, लेकिन अब सैन्य गठबंधन नाम की चीज भी थी, कब, उस समय। तो अमेरिका के 3 थे सैन्य गठबंधन, सबसे मेन होता वो कौन था आपका, नाटो, नाटो मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, कब बनाया गया था ये, अप्रैल 1949 में, इसमें 12 देश थे, इन 12 देशों ने कहा था कि हम में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो हम 12 के 12 मिल के आपसे लड़ेंगे उस चीज के लिए, इन्होंने ऐसा कहा था, जिसके रिस्पॉन्स में क्या बनाया, जिसके रिस्पॉन्स ने सोवियत संघ ने बनाया था क्या, इन्होंने बनाया था आपका वार्सा संधि, कब बनाया, 1955 में, और इनका मुख्य कार्य क्या था, इनका मुख्य कार्य क्या था, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। ठीक है, यहाँ पे मतलब यूरोप में उनको फेस करना, कन्फ्रंट करना आपको ये। इसी के साथ साथ बेटा ये 2 पॉइंट्स और थे, अमेरिका ने एशिया में, पूर्वी एशिया दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बनाने के लिए इसने 2 सैन्य गठबंधन और बनाए थे, वो कौन से थे, एक था आपका सीटो मींस दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और एक क्या था आपका सेंटो, केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, हम लोग पार्ट वन कर रहे हैं यार शीत युद्ध के दौर का। हाँ जी, तो अब एक और हमारा आ गया है, क्यूबा का मिसाइल संकट 1962। सबसे पहले देखो आप लोग बहुत बार फंसते हो इन 1 मार्क्स में, अमेरिका से कौन थे, जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, सोवियत संघ से कौन थे, निकिता क्रुश्चेव, और क्यूबा से कौन थे, फिदेल कैस्ट्रो।
कैस्ट्रो, तो ये तीन लोग वन मार्क हो सकते हैं, इनको लर्न कर लेना। हुआ क्या, इनको लगा कि भाई कहीं अमेरिका क्यूबा पे कब्जा ना कर ले, कभी अमेरिका 1961 में लगा कि भाई कहीं अमेरिका क्यूबा पे अपना दबदबा ना जमा ले और यहाँ पे तख्ता पलट ना कर दे। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स में क्या किया, सोवियत संघ ने क्यूबा को, सोवियत संघ ने क्यूबा को एक सैन्य अड्डे में तब्दील करना चाहा। हालांकि क्यूबा ने सोवियत संघ को ज्वाइन किया था, है कहाँ पे, है ये ईस्ट के पास, यूएस के पास, लेकिन क्यूबा ने क्या ज्वाइन किया, क्यूबा ने सोवियत संघ को ज्वाइन किया था। इसके बदले में सोवियत संघ ने क्यूबा को आर्थिक और कूटनीतिक सहायता भी दी। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे मतलब उनको लगा, आभास हुआ कि ऐसा होने वाला है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, सोवियत संघ ने क्यूबा में कुछ मिसाइल लगा दी। ठीक है, सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर एक अड्डे बना लिया अपना सैन्य अड्डा। अब ये जब अड्डे बने तो ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका जब उसको 3 हफ्ते बाद खबर मिली कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उससे अमेरिका घबरा गया, सतर्क आ गया। और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्यूबा के चारों ओर अपने जंगी बेड़े खड़े कर दिए और बोल दिया कि भाई जोन सा दिखे ना ऐसा आता हुआ जहाज, उससे लड़ लो, भिड़ जाओ। प्लस अमेरिका ने कनेक्शन बनाया इनसे और ये बोला कि जो भी आप ये कर रहे हो मामला, जो भी आप ये चीज कर रहे हो ये गलत है, जिससे हमारे बीच में तृतीय विश्व युद्ध होने के पूरे पूरे आसार है। अब इस चीज को सुन के ये मामला बहुत गर्म हो गया। अब ट्विस्ट कहाँ पे, ट्विस्ट यहाँ पे ये कि अक्टूबर की बात थी जब पूरे विश्व की नजरें कहाँ पे थी, नजरें थी इनके ऊपर, किन के ऊपर थी, इन सीन के ऊपर, तभी चीन ने भारत पे हमला कर दिया था। हालांकि हम लोग बुक नंबर 2 में पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वीडियोस के थ्रू, पहले से हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो ये सब हुआ आपका, तो ये जो हुआ पूरा सीन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मिसाइल संकट खत्म हो गया था, ये एक आपका गर्म युद्ध में तब्दील नहीं हुआ था। ये जो पूरा सीन होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ था। आई होप कि आपको समझ में आ गया, बहुत ही लाइक लगा लो कंसेप्ट था, मैंने आपको बहुत समराइज कर दिया इसको। नेक्स्ट कंसेप्ट, अप्रोथ, लॉजिक ऑफ विट्रेंस, रोकथाम होती एक तरह से, रोकना कि इसको, संतुलन करना। दोनों ही पक्षों के पास में काबिलियत है, दोनों ही पक्षों के पास में शक्ति है एक दूसरे पे हमला करने की, बट ना एक करता ना दूसरा करता। मीन्स दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। वो जानते हैं ये यूएस अमेरिका, ये था सोवियत संघ, शक्ति दोनों के पास हमला करने की, लेकिन ना ये कर रहा ना ये, नहीं पता है कि छिड़ गया युद्ध तो कुछ बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपरोध, लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ठीक है, ये जो अपरोध था, ये दोनों के बीच में जो दुश्मनी थी वो नहीं रोक पाया था, लेकिन जो झगड़े होने के आसार थे उसको इसने काफी रोक दिया था। सो ये था हमारा पार्ट 1 शीत युद्ध के दौर का। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो जो हिंदी मैंने पढ़ाया आपको। मैंने अगर आप इन चैप्टर्स के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, एक स्मॉल अमाउंट में, छोटे से अमाउंट में आपको 12th के हिंदी मीडियम के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, जल्दी मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे।